बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। छप्पनवीं फेमिना मिस इंडिया 2019 का फैसला हो चुका है। राजस्थान की सुमन राव ने यह ताज हासिल किया। 22 साल की सुमन ने अनुकृति वास के बाद अब ये खिताब जीता है। सुमन चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही थी। सुमन ने ये खिताब जीत कर अपना सपना सच किया है। सुमन का कहना है कि वो जिंदगी में उन चीजों को करने की भी हिम्मत रखती हैं जिन्हें लोग अनिश्चित मानते हैं। सुमन जीवन में अपने माता पिता से बेहद प्रभावित हैं। मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली सुमन का कहना है कि यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि साल 2019 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सुमन साल 2018 में ताज से चूक गई थी। पिछले साल वो पहली रनर अप रही थी। ये कार्यक्रम मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल डंडोर स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ, विकी कौशल, मौनी रॉय और नौरा फतेही मौजूद थे। इनके अलावा हुमा कुरैशी, दिया मिर्जा और चित्रांगदा सिंह ने इस शानदार शाम की शोभा बढ़ाई। फेमिना मिस इंडिया की जीत के बाद अब सुमन का अगला पड़ाव मिस वर्ल्ड इवेंट होगा। सुमन इस रेस में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगी। सुमन के अलावा कुछ और नाम इस इवेंट में चर्चा में रहे। तेलंगाना की संजना विस फर्स्ट रनर अप रही। बिहार की श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2019 का खिताब जीता। छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता। फेमिना मिस इंडिया 2019 प्रतियोगिता में 30 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था। खूबसूरती और टैलेंट से भरी इस शाम को करण जौहर, मनीष पॉल और पूर्व मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया मानुषी चिल्लर ने होस्ट किया। अगर आपको न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।